नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असम न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल और 31 जिलों के एक एक सीट के विश्लेषण कर आपको ओपनिंग पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रखने वाले हैं। क्या इस बार के चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS को बहुमत प्राप्त तेलंगाना की कुर्सी पर फिर से बैठेंगे KCR या फिर कांग्रेस या BJP बना लेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में इस बार किसकी बनेगी सरकार? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सभी 119 विधानसभा सीटें और 31 जिलों के एक एक ओपनिंग पोल और जनता की राय आपके समक्ष रखने वाले हैं। इससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले और अपने राज्य का नाम अवश्य लिखिए, हमें भी पता चले आप कौन से राज्य और कौन से शहर से हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी है तो यहाँ पर बता देते हैं। BRS, AIMM के असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, TDP और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आमने सामने होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए सिद्दीपेट की। सिद्दीपेट में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 विधानसभा सीटों में से सभी चारों विधानसभा सीट पर BJP एक तरफा सीट हासिल कर सकती है। BRS यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं करीमनगर की। 4 विधानसभा सीट है, चारों ही विधानसभा सीट पर BJP, BRS का तमे 0, कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से अब तक 8 विधानसभा सीट का यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 8 में से भी 8 सीटों पर अब तक BJP यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सूर्यापेट की। सूर्यापेट में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर BJP, 1 पर BRS। कांग्रेस पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले विकाराबाद की। विकाराबाद में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर BJP यहाँ पर अपने खाते में ला सकती है। तो BRS यानी कि KCR की पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। खम्मम की 5 विधानसभा सीट आती है। 5 विधानसभा सीट में से BJP का तमे 1, BRS का तमे 4 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को 14 विधानसभा सीट के साथ जीत हासिल हो रही है और BRS की पार्टी यानी KCR को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। मेडल मलकागिरी की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर BJP, 1 पर कांग्रेस पार्टी INC यानी कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट। BRS का तमे 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं नलगोड़ा की। 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर BJP, 4 पर BRS। कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। महबूब नगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर BJP का तमे 2 सीट, BRS का तमे 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 33 में से 22 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर पार्टी बन रही है और BRS यहाँ पर 15 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं संगारेड्डी की। 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर BJP, 3 पर BRS। कांग्रेस पार्टी का तमे 0 और अन्य पार्टी का तमे यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। भद्रादरी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर BJP, 2 पर ही BRS। KCR की पार्टी के ऊपर 2 सीट मिल सकती है और INC यानी कांग्रेस पार्टी का तमे 1 सीट जा सकती है।
सकती है। अन्य पार्टी का तब यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खत्म है 26, बीआरएस का खत्म है 20, कांग्रेस पार्टी का खत्म है 1 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, बीआरएस का खत्म है 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, 5 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खत्म है 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो 33 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म है 26 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी का खत्म है 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटें, 15 में से यहाँ पर बीजेपी का खत्म है 8, बीआरएस का खत्म है 7, कांग्रेस पार्टी का खत्म है 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा सीट का आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 41 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म है 33, कांग्रेस पार्टी का खत्म है 2, अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। वना पार्टी की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट के साथ बीआरएस, बीजेपी का खत्म है 0, कांग्रेस पार्टी का खत्म है 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। रजना सिरसिलिया की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस। आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, बीआरएस का खत्म 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का खत्म है 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तेलंगाना 119 विधानसभा सीट में से अब तक 81 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 43 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म है 36 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जयशंकर भूपली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से हमारे 1 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म 1 सीट, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। जोगू लांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म 0, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि कुमारम भीम आसियाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। तेलंगाना की अब तक 119 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 49 सीट के साथ बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 40 सीटों के साथ बीआरएस यहाँ पर पीछे यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अब तक बन रही है और कांग्रेस पार्टी का खत्म 2 सीट और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। यादराती भोगिर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। दोस्तों यार बात कर लेते हैं मेडक की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म 0, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, बीआरएस का खत्म 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का खत्म 56 विधानसभा सीट जा सकती है, बीआरएस का खत्म 42 सीटें, कांग्रेस पार्टी का खत्म 2 सीट और अन्य पार्टी का खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। जगतियाल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जनगांव की 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस का खत्म 0, कांग्रेस पार्टी का खत्म 0 और अन्य पार्टी का खत्म
यहाँ पर धीरे धीरे सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नगर कुरनूल की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी BRS का तमें 1 सीट, कांग्रेस पार्टी का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर धीरे धीरे सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मंचिरियाल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर BJP, 2 पर कांग्रेस, BRS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति। निर्मल की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर BRS, कांग्रेस पार्टी का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर धीरे धीरे सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को 2 सीटें, BRS का तमें 1 सीट, कांग्रेस पार्टी का तमें 0 और अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर धीरे धीरे सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जबरदस्त लीड के साथ 68 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। BRS यहाँ पर 48 सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों के साथ और अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 68 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, तो यहाँ पर BRS यहाँ पर 48 सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, अन्य पार्टी का तमें 3 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है तेलंगाना में इस बार किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।